भाई ये वाली वीडियो देखने के बाद मेरे होश उड़ चुके थे कि भाई इस तरीके से कोई प्लेयर कैसे खेल सकता है। और केवल ये वाले रिएक्शन नहीं था स्नैक्स का जिसने मुझे सरप्राइज करा। मैंने जब चैनल देखा ना इस बंदे का, वो देखते ही आई वॉज जेन्युइनली कन्विंस्ड कि यार मुझे आप लोगों के साथ में इसके सीक्रेट शेयर करने ही है, क्योंकि इतना खतरनाक ये प्लेयर खेलता है। इस प्लेयर का नाम है डॉक और 4MV की टीम से खेलता है, मंगोलिया का ये प्लेयर है। और भाई तुम देखो जरा यार इसका गेम प्ले, यहाँ पे कामनेस देखना बंदे में कितनी ज्यादा है। एंड सर्कल का 1v4 है लास्ट का एकदम। अब ऐसी सिचुएशन में सीधा सीधा एंगल से नहीं आते हैं, अक्सर बंदे खिड़की से आते हैं, तो इनका एंगल देखो कहां पे था नेड का। और नेड करते ही तुरंत स्विच करा मॉली पे जिससे कि एंट्रेंस ब्लॉक हो, बंदे इधर उधर भागे। और फिर उनके लिए नेड प्रिपेयर कर रहे थे, देखा बंदा आ रहा था तो तुरंत एंगल चेंज करा अपना इस जगह पे। और देखो कितने प्यार से नेड फेंकते ही फाइट एंगेज करेंगे बंदे से, पूरे एक गोली खाए बिना उसको मार दिया। और ये चालाकी देखो इनकी, कुछ समझ आया? जरा पीछे देखो, यहाँ पे फिनिश डालते ही रीलोड स्टार्ट करा और रीलोड के साथ साथ नीचे कूद गए, जिससे ऊपर वाले बंदे को लगा कि ये रीलोड कर रहे हैं बैठ के। और जैसे ही नीचे कूदे तब तक इनका रीलोड फिनिश हुआ और उसको सीधा नॉक कर दिया। तीन नॉक हो गए और फिर लास्ट वाले बंदे के लिए देखना कितने पेशेंटली फाइट को एंगेज करेंगे। इस पोजीशन में ना सामने एनिमी को प्रोन होता हुआ देखकर कोई भी टेंप्ट हो सकता था कि ऊपर से उठ के मार दे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी इन्होंने बिल्कुल भी अपना पेशेंस लूज नहीं करा और सीधा राइट साइड से अप्रोच करा फाइट को। और इस पूरी फाइट में देखो कैसे चक्कर कटा कटा के इन्होंने सामने वाले के प्री फायर में जाना अवॉइड करा बार बार। और यहाँ पे भी बार बार इस तरीके से दिखाया कि ये मारने आ रहे हैं, फाइट लेने आ रहे हैं, बार बार पोजीशन चेंज करते रहे। और सामने वाले बंदे ने प्रोन शॉट दे ही दिया और ओपनिंग दे दी इनको, और फिर जाके इन्होंने फिनिश किया। और ये तो सिर्फ एक दो टेक्निक्स ही शोकेस करी है, डॉक ऐसी हजारों टेक्निक्स जानते हैं जिन पे हम अभी बात करेंगे। लेकिन अगर तुम TDM में एक M24 भी चलाना जानते हो ना, तो बिना कोई पैसा लगाए भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि सिंपल क्लासिक वाले टूर्नामेंट तो तुमने बहुत बार खेले होंगे, लेकिन खिलाड़ी अड्डा के थ्रू तुम्हें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि TDM में स्नाइपर बैटल तुम कर सकते हो, या फिर बिना किसी वेपन के ही वेपनलेस बैटल में भी कम्पीट कर सकते हो। और इस तरह से BGMI और PUBG Lite जैसे बहुत सारे गेम्स खेलकर तुम काफी सारी अर्निंग कर सकते हो। और खिलाड़ी अड्डा हर महीने 500 से ज्यादा कॉन्टेस्ट होस्ट करता है, जिसमें सबसे खतरनाक बैटल होती है इनकी उल्टा पुल्टा बैटल, जिसमें जो सबसे पहले बंदा मरता है उसको सबसे ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है। और ऑब्वियसली मेरी फैमिली होने का एक्स्ट्रा बेनिफिट तो आप लोगों को मिलेगा ही, जिसका मतलब होगा कि मेरा प्रोमो कोड ADDA20 यूज करने पे तुम पहला मैच फ्री में भी खेल पाओगे, और अपने पर्सनल प्रोमो कोड से रेफर करने पे 2% का लाइफ टाइम बोनस भी मिलेगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो जल्दी से जाओ अपना फेवरेट गेम खेलकर पैसे कमाओ। अब ये 1v4 की सिचुएशन है फिर से, जहाँ पे डॉग के पास में इतनी छोटी सी जगह थी, PMPL लॉबी का एक लच है और दो एनिमी ऊपर हैं, दो एनिमी यहाँ पे हैं। अभी देखो राइट से फायर करा, फिर आराम से लेफ्ट साइड में, फिर दोबारा स्कोप खोला, फिर दोबारा से पूरा राइट साइड में जा रहे हैं, फिर हल्का हल्का लेफ्ट में जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने स्कोप खोल खोल कर बंदे को मारा। अभी देखो इनकी HP डाउन हो गई, तो भले ही बंदे की HP भी डाउन थी तो भी एकदम शांति से काम लिया, आराम से हील करा। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में काम होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इस तरीके के डिसीजंस ले पाओ। अब यहाँ पे बहुत चीकी सा एंगल निकाला, तब जाके बंदे को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे दिखाएंगे भाई अपने खतरनाक से गेम सेंस का ये एग्जांपल। अब यहाँ सबसे पहले इन दोनों बंदों को फिनिश करा, और उनको पता है सामने के दो बंदे लगातार फायर दे रहे थे तो वो आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास में अब नेड नहीं बचे थे, तो उसकी वजह से इनको पता है इनके पास में नेड आएंगे और वहां पे ये पकड़े जाएंगे। इसकी वजह से लेट के आराम आराम से राइट राइट में रेंगते गए, रेंगते गए, रेंगते गए। और ये ऐसा मूव था कि कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता था। देखो यहाँ से भी ये बंदे राइट से आए देखने के लिए कहीं पीछे तो नहीं छुपा है। अब ये देखो इनके POV से, भाई जैसे MS धोनी को कैप्टन कूल कहते हैं ना, इनको भी भाई एक टर्म ऐसा देना चाहिए कूल होने का, क्योंकि यहाँ फिर से 1v4 की सिचुएशन हो रखी है। इनके पास में इस टाइम पे कवर भी नहीं है, भाई कहाँ से स्पॉट करता है ये बंदा, तीन जगह से स्मोक करके एकदम बीचों बीच बैठ जाएगा, और कहाँ से स्पॉट करेगा, नॉक करेगा, कुछ पता नहीं चलेगा।
भाई ये देख रहे हो, स्मोक में चारों तरफ घूमे जा रहा है बंदा। स्पॉट करता है एक बंदे को, नॉक देके वापस आ जाता है, फिर से दूसरे को स्पॉट करता है, फिर वापस आ जाता है, स्मोक में भागता रहता है। बंदे फायर कर रहे हैं क्लूलेस होके और ये उनको मारे जा रहा है। और तुमने ये दोनों जगह पे देखा कितने प्यार से प्रेडिक्ट करा इसने सामने वाले बंदे को, बेट कर करके जो मारा है। और एक बार ये नॉक्स देखना और फिर नाम गैस करने की कोशिश करना कौन सी टीम होगी। दोनों बार देखो कितनी क्लीन पीक्स थी, पहले वाले बंदे से एक भी गोली नहीं खाई, दूसरे वाले बंदे के लिए भी यहाँ कूद के फाइट ले रहे थे, तभी तीसरे बंदे ने फायर करा जिससे रियलाइज करके नीचे आए और फिर ये वाली पीक दे के उसको मारा, इंस्टेंटली दूसरे टारगेट पे स्विच करके उसको मारा। एंड जस्ट गेस द नेम, हाँ भाई नोवा थी। और फिर ये वाले क्लच में यार इस बंदे की स्पीड ना तुम्हारे होश उड़ा देने वाली है। ज्यादातर बंदे ऐसी सिचुएशन में भी ये पोजीशन होल्ड करते और इस जगह पे नेड गिराने की कोशिश करते, लेकिन इन्होंने देखो कितनी जल्दी प्रेडिक्ट करा कि ये गलत होता। यहाँ पे इनकी स्पीड इसमें भी थी कि इन्होंने एनिमी को तुरंत परखा और तुरंत उस पर प्रीफायर रखते हुए जंप शॉट दिया। और ये देख रहे हो स्लो मोशन में भी उसके मरते ही कितनी जल्दी इन्होंने पीछे स्विच कर लिया था अपना एम, और तुरंत बंदे को देखते ही लेफ्ट साइड से फायर करा और दो तीन गोलियां चला के तुरंत राइट साइड से मारना चालू करा, ये सोच के कि बंदा राइट में आया होगा। वहां फायर नहीं हो पाया तो इंस्टेंटली रिलोड करते ही मौली यहाँ पे फेंक दी और तुरंत उसके लिए भी एम यहाँ से लिया, क्योंकि पता है बंदे को भाग के आना ही पड़ेगा। अब डॉग की मेजर टेक्निक ही ऐसे क्रिस्पी स्प्रेज के साथ में गेम सेंस को कंबाइन कर देना है। ये सिचुएशन को रीड करने में हद से ज्यादा तेज हैं और ये एनिमी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, क्योंकि तभी यहाँ पे आती लेटे नीचे रिज की तरफ से ऊपर आए प्रोन हो के और फिर नेड खींचा, क्योंकि यहाँ पे बंदा होल्ड कर रहा होगा, क्योंकि तभी एकदम नीचे से आए और फिर जब इनको नॉक मिल गया तो भी सोच रहे हैं कि लेफ्ट वाला बंदा रिवाइव करने के लिए आ रहा हो सकता है, तभी लेफ्ट में तुरंत दरवाजे पे मौली फेंकी और वहां भी इनकी प्रेडिक्शन इतनी सही निकली कि यहाँ पे भी नॉक निकाल दिया। उसके बाद में फिर से खिड़की पे नेड करने की कोशिश करी, वहां नॉक नहीं मिला, तो अब राइट साइड वाले बंदे के ऊपर फोकस कर रहे हैं पूरा। वो लेफ्ट साइड में आया तो उस पे लेफ्ट साइड में नेड फेंका, फिर जैसे ही देखा वो भाग रहा है तुरंत उसको पूरा ट्रेस कर दिया। इसमें सबसे जबरदस्त चीज ये थी कि ये दो बंदे बचे हुए थे और ये नहीं है कि आप केवल नॉक कर रहे हो और आपको टीममेट्स का साथ मिलेगा तभी आप पुश करोगे, यहाँ पे देखो पूरे नेड्स के दम पे पूरी स्क्वाड वाइप कर दी और ये चीकी एंगल देखो। ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में पुश करते हैं कि सामने वाले बंदे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि कोई ऐसे भी आ सकता है मारने के लिए। तभी ये पूरा क्लच देखो कितने एग्रेशन के साथ में कर दिया इन्होंने अकेले। यहाँ पे तुरंत जैसी राइट से पड़ी तो लेफ्ट साइड में रुके हल्का सा और तुरंत पूरा राइट चले गए जिससे बंदा कंफ्यूज हुआ, फिर दोबारा आगे बढ़ते गए एडीएस में गिराया बंदे को, फिर 20 एचपी होने के बाद में भी पूरा लेफ्ट जाके बंदे के ऊपर रश कर दिया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि ऐसे भी बंदा काउंटर रश कर देगा। और ये एनालिसिस तो इनके गेम सेंस स्पीड और रिफ्लेक्सेस का है, स्प्रेस की तो मैंने अभी बात भी नहीं करी। तो अगर चाहते हो कि डॉग की स्प्रेज की एनालिसिस वीडियो भी हम लाएं प्रॉपर तरीके से तो जल्दी से इस वीडियो पे 5000 लाइक्स कर दो। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इजीली अचीवेबल है, अगर आप इतने लाइक्स करते हो तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको सच में अच्छा लगा और इस वीडियो के एल्गोरिदम को भी बूस्ट मिलेगा। और जाने से पहले खिलाड़ी अड्डा को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।